आम तौर पर सड़कों पर गाड़ियां या फिर पैदल लोग चलते देखे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ट्रैफिक पुलिस बूथ ही चल रहा है। सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच है। काशी में तेजी से बढ़े वीआईपी मूवमेंट और आए दिन होने वाले किसी न किसी कार्यक्रम की वजह से ट्रैफिक में हो रही समस्याओं को देखते हुए पहली बार ऐसा पुलिस बूथ आया है जो चलने फिरने वाला है। इसको कहीं पर भी लेकर जाया जा सकता है। ये पहला बनाया गया है वाराणसी का हाईटेक ट्रैफिक पुलिस बूथ है। इसमें 4 आईपी कैमरा लगे हैं विद नाइट विजन डिवाइस जो रात का भी फीड देते रहेंगे और लगभग 2 महीने तक का इसमें फीड सुरक्षित होता रहेगा। इसमें PTZ कैमरा भी लगा है, टीवी का स्क्रीन भी लगा है, कंटिन्यूस उस पर पिक्चर भी आता रहेगा और इसके साथ ही साथ इसमें PA सिस्टम लगा हुआ है जिसमें कार्डलेस भी है। बाहर से भी कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, अंदर से भी बैठ के इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें 4G राउटर लगा हुआ है जिससे इसमें सपोर्ट मिलता रहेगा पूरा इंटरनेट का। इसको इसका हम लोग जो भी बड़े VIP मूवमेंट होते हैं या बड़ा कोई मेला होता है उसके बाहर हम लोग इसको लगा के और इसमें हमारे लोग रहेंगे, इसमें लगातार अनाउंस होता रहेगा। इसमें प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स को भी हम लगा सकते हैं जो लगातार मैसेज को रिले करते रहेंगे। इसके साथ साथ ही साथ इसमें वेरिएबल साइन मैसेजेस भी लग रहे हैं जो लगातार डिस्प्ले होता रहेगा। फिर कहाँ से आया है और क्या ये मूवेबल है? ये मूवेबल है और ये दिल्ली की कंपनी है जिसने बनाया है। वाराणसी में अपनी तरह का पहला है, कुंभ में भी उसने बनाया है वहाँ पर और दिल्ली में कई बूथ इस तरह बने हैं। अब कोशिश करके 8-10 बूथ इसी तरह के बनवाना है वाराणसी में विकास प्राधिकरण या नगर निगम के माध्यम से।